हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ पेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में आपको लेकर के, और हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार सपोर्ट एंड कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे। तो चलिए, अब आपको डीप ब्रीथ लेना है, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। एंग्री, गुस्सा है कोई? प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, रिकंसीडर, दोबारा सोचा जा रहा है, गुस्सा है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। लेट गो इश्यूज़, लेट गो इश्यूज़, ठीक है, इश्यूज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, ब्लैक मैजिक, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक। और जब भी ब्लैक मैजिक की रीडिंग आती है कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। तो एक वार्निंग, जब भी आप रीडिंग देखते हो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें जब भी आती हैं तो आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट किया करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए अगर आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म मानते हैं, और अगर आप किसी और धर्म को मानते हैं तो वहाँ भी हर धर्म में कोई ना कोई प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आप उनको माना करो, कुछ नहीं है तो डिवाइन से प्रे करो, आप जिसको भी मानते हो उनको प्रे करो कि आपको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। अपने एंजल से प्रोटेक्ट करने के लिए बोलो, अपने जो भी एंसेस्टर्स होते हैं उनको बोलो कि आपको प्रोटेक्ट करें वो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ब्लैक मैजिक की जब भी एनर्जी आती है तब ज़रूर एक ड्रास्टिक चेंज आता है एनर्जी में, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, और ब्लैक मैजिक वगैरह तभी होते हैं जब आपकी ज़िंदगी में प्लैनेटरी पोजिशन आपकी गड़बड़ होती है, आपके ग्रह दशा कमज़ोर होते हैं, जब कमज़ोर होते हैं तभी इस तरीके के लोग जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में इस तरीके की चीज़ें करते हैं, और उसी दौरान आप पे इन चीज़ों का असर पड़ता है। अदरवाइज़ इन चीज़ों का कोई असर, अगर आपके ग्रह नक्षत्र सब एकदम मजबूत स्थिति में हो तो इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता, किसी की हाय बद्दुआ किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है किया जा रहा है, कौन कर रहा है देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। बिट्रेयल, धोखा है यहाँ पे। 11-11 बड़े दिन बाद आया आपकी बार 11-11 लिस्ट में। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है या फिर किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, आप अपने स्पिरिचुअल पार्ट पे चलने वाले हो, ठीक है। एंग्री, रिकंसीडर, लेट गो इश्यूज, ब्लैक मैजिक एंड बिट्रेयल। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के, मतलब फिलहाल ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है प्लीज़ डिवाइन। कल मैंने पूछा था कि रीडिंग लंबी अच्छी लगती तो छोटी अच्छी लगती, ज़्यादातर लोगों ने सभी ने बोला कि लंबी रीडिंग अच्छी लगती है, एक दो लोगों को लगा कि छोटी रीडिंग होती है। देखो, छोटी रीडिंग के लिए मैं शाम वाली रीडिंग डालती हूँ, आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। मैं उन्हीं लोगों के लिए बनाती हूँ वो रीडिंग, और उस रीडिंग को मैं भी काफ़ी हद तक मैंने मतलब ठीक कर दिया है ताकि उसमें सब कुछ आ जाता है वहाँ पे। तो जिनको छोटी रीडिंग देखनी है वो वहाँ देख लो। लंबी रीडिंग जब होती है तसल्ली से की जाती है तो उनमें फिर वो लंबी डिटेल जिनको अच्छी लगती है उनको वो लंबी रीडिंग देखो, ठीक है, जिनके पास टाइम है, बिकॉज वहाँ पे डिटेल निकल के आती है तसल्ली से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में बताइए प्लीज़ डिवाइन।
हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ओवरऑल क्या है उनकी करेंट फीलिंग, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी उनके घर में, सब बताइए। एक साइकिल कंप्लीट हुई है, होने वाली है या हो चुकी है, देखते हैं। मैं क्लैरिफायर निकाल लेती हूँ। कल एक लोगों ने मुझे बोला था कि आप बेसिक मत बताया करो, सीधे क्लैरिफायर निकाल लिया करो फिर। तो चलो मान ली मैंने आपकी बात। ओके चलिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी। क्या बैलेंस करना है, टू ऑफ कप्स को बैलेंस करना है, टू ऑफ कप्स सोलमेट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ कप्स ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जब हमने बैलेंस के लिए पूछा तो यहाँ पे हम एक एक करके क्लैरिफाई करते जाते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की फिलहाल एनर्जी ये है कि वो किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, या हो सकता है उन्हें किस्मत का साथ मिला है, उन्हें जिंदगी में किसी तरीके का कुछ अच्छा उनकी जिंदगी में हुआ हो, बट मुझे यहाँ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। हार्ट ब्रेक की एनर्जी जरूर है, तो मुझे यहाँ पे यही लगता है कि इनकी किस्मत में एक साइकिल कंप्लीट हुई है, डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चेंज हुई हैं कुछ, जहाँ पे ये दो सिचुएशन है इनके पास जिनमें से किसी एक को इन्हें बैलेंस, दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, इनका इरादा बैलेंस करने का है, बट शायद चीज़ें बैलेंस हो नहीं पाए। अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है और चीज़ें बैलेंस किन में कर रहे हैं, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। वहाँ पर ये दोनों के प्रति अपना प्यार फील करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई, तो हो सकता है टू ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, इधर क्वीन ऑफ कप्स है, तो हम यही कहेंगे कि इन्हें एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है जो इनसे अनकंडीशनल लव करता है, जो इन्हें अनकंडीशनल प्यार देता है, दूसरी तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है जिसे ये अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जिसके साथ ही अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं। तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि इन दोनों में ये चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद इन दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, क्योंकि एक इंसान वो जिससे हम प्यार करते हैं, एक इंसान वो जो हमसे बहुत अनकंडीशनल प्यार करता है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की, एनर्जी यहाँ पे ये है कि जिस जो इनसे बहुत अनकंडीशनल लव करता है, कोई है जो इनसे बहुत प्यार करता है, ये वहां भी चीजों को ठीक करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल जो इनका सोल कनेक्शन है, जहां पे ये दोनों प्यार करते हैं, मतलब ये भी उसको प्यार करते हैं, वो तो इनको प्यार कर ही रहा है, ठीक है, और ये उनके और दूसरे पर्सन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा चाह रहे हैं, क्योंकि एक हो सकता है इनको डिसाइसिव करने की कंडीशन, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, देखिए क्वीन ऑफ कप्स क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन। नाइट ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये कहीं जाना चाहते हैं, ट्रांसफर या मूवमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, ये सोल कनेक्शन फील करते हैं। एक्चुअली ये कंफ्यूज हैं, ये कि दो इंसान इनकी जिंदगी में हो, इन्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों से प्यार करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन इनकी दिखाई देती है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स इनकी जिंदगी में जो है वो इंसान इनको अनकंडीशनल लव दे रहा है, ठीक है, जिसको ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग समझ रहे हैं कि ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ, मतलब एक इंसान तो है ही इनकी जिंदगी में जिसे ये प्यार करते हैं, वो भी इंसान इनसे प्यार करता है, दूसरा इंसान इनकी जिंदगी में, मतलब बड़ा इनको अपॉर्चुनिटी बहुत गजब मिली हुई है कि दूसरा इंसान इनकी जिंदगी में एक है जो इनसे बहुत अनकंडीशनल लव करता है, जिसको ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा समझते हो, जिसके लिए ये बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड भी है, ठीक है, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है उसके लिए। और यहाँ पे इसकी एनर्जी ये भी दिखाई देती है कि ये ट्रांसफर या मूवमेंट लेकर के इस पर्सन के पास जाना चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स के पास अगर ये दूर हैं तो वहाँ पे ये जाना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। उसके साथ ही अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट प्यार ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, दिल क्यों टूटा है, थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। गजब,
मैं वही सोच रही थी कि मैं कह ही रही थी कि एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, एक तरफ टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो या तो ये खुद किसी के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, वन साइडेड है इनका, कि ये प्यार करते हैं, सामने वाला बंदा इनसे प्यार नहीं करता है, या तो ये क्वीन ऑफ कप्स इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, मतलब ये वन साइडेड वाला है, ये वन साइडेड वाला है जो इनको, या तो ये खुद प्यार करते हैं उस इंसान से बहुत ज्यादा, या वो इनसे इनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, एक तरफ है, एक तरफा प्यार है ये। ये टू ऑफ कप्स वाली एनर्जी है जहां दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। और ये इनमें से यहीं पे एनर्जी आ रही है कि इनमें से किसी एक तरफ इनको बैलेंस, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं बट बैलेंस बन नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इनकी एनर्जी है कि थ्री ऑफ सोर्ड्स, किसी एक का दिल जरूर टूट रहा है, क्योंकि शायद इन दोनों को एक दूसरे के बारे में जानकारी हो सकती है, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आई है। तो इनका दिल भी टूटा हुआ है, ये सक्सेस पाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये थर्ड पार्टी को भी अपना, मतलब दो तीन दोनों को अपनी जिंदगी में मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है, अनकंडीशनल लव जो दे रहा है उसको भी अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जिससे म्यूचुअल लव है उसे भी। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, टू ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, एक्चुअली जो इंसान इनसे प्यार करता है ये भी उससे प्यार करते हैं, उसके साथ समस्या ये है कि वहां इनकी शादी पॉसिबल नहीं है। रीजन चाहे जो हो, या तो शादी है तो शादी टूट रही है, ठीक है, हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था यहाँ पे इसके क्लैरिफायर में, ठीक है, बैलेंस के लिए। तो हो सकता है उस इंसान से जिससे ये सोल कनेक्शन फील करते हैं वो इनका मैरिड पार्टनर हो सकता है, जहाँ ये दोनों आप लोग मैरिड हो सकते हो, ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, जहाँ ये दोनों से, लेकिन ये ऑफर नहीं कर सकते, या फिर मैरिज का सपना था, ठीक है, मैरिज का सपना था यहाँ पे कि हमें मैरिज करनी है, वो आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रपोजल दे नहीं सकते, क्योंकि आपको देना था तो दे नहीं सकते, लेना था तो ले नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस की एनर्जी है, ठीक है, इनके पास कई ऑप्शन है जिसमें इन्हें चूज करना है कोई एक। इस टू ऑफ कप्स, जहाँ दोनों को प्यार है वहां आगे कहानी आगे बढ़ नहीं पा रही है, ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन है इनकी, शादी नहीं हो सकती, इसलिए शायद किसी एक इंसान को अपनी जिंदगी में, इसीलिए हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट इस टू ऑफ कप्स के साथ में होल्ड करके रखना चाहते हैं, बिकॉज शादी नहीं हो सकती बट बाकी मजे लेते रहेंगे, ये कंडीशन है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, मतलब यही होता है बैलेंस करने का, मतलब क्या होता है, अभी बुरा लगा होगा आपको तो लगे, सच्चाई तो यही हुई ना, दो तरफ बैलेंस करने का क्या मतलब हुआ, कि मतलब आपको क्यों, कोई मजबूर थोड़ी ना कर सकता है कोई, मतलब जहर अभी खिलाया दे रहा तुमको कोई, कि जो तुम नहीं कर सकते, बैलेंस करने का सिचुएशन कि तुम्हारे खुद के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज है कि तुम्हें दोनों इंसान चाहिए अपनी जिंदगी में, तो टॉक्सिक मेंटेलिटी है बेसिकली। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ऑप्शन रखने का मतलब ही होता है टॉक्सिसिटी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल सफर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बर्डन है इनको बहुत ज्यादा, ठीक है, ये इन चीजों को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको बहुत बोझ हो रहा है, ये जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं कहीं पर, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको करना क्या है। जस्टिस की एनर्जी है, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, तो सभी साइन है, अदरवाइज यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी वैसे कम है लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून है तो आई है यहाँ पे। जस्टिस लिब्रा की एनर्जी काफी स्ट्रांग है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग अपनी जिंदगी की करना चाहते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, ये झूल रहे हैं, दो सिचुएशन की जिंदगी में है, ये तोल रहे हैं दोनों चीजों को, किधर इन्हें करना है, कोई चीज हो सकती है जहाँ पे ये बराबरी करना चाहते हैं किसी से, ठीक है, ये एनर्जी भी है, न्यू बिगिनिंग है। द लवर्स की एनर्जी, पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जेमिनी की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ गई है यहाँ पे, आपके पर्सन जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन और एक न्यू कनेक्शन दोनों के अंदर बैलेंस करके रखना चाहते हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन जिसके साथ फील करते हैं उधर भी रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ एक नया पर्सन जो है जो इनसे प्यार करता है ये वहां भी अपनी जिंदगी में चीजों को बैलेंस करने की एनर्जी इनकी दिखाई देती है, बट इनको लग रहा है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो कोई ना कोई एक छूटेगा जरूर, और ये दोनों में से किसी को ही नहीं छोड़ना चाहते जो इनके इनका लगाव है दोनों के प्रति, ठीक है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई है इनकी जिंदगी में जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से चीजें आगे ना बढ़ रही हों, या ये किसी पर्सन की एनर्जी हो सकती है इन्हीं क्वीन ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल में से जो इनसे बहुत ज्यादा नाराज है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े फाइट्स हो रहे हैं, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। द हर्मिट की एनर्जी है, विरगो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कन्या राशि,
और ये चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती कहाँ है, किसकी है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं किसी तरह, किसी को या तो कोई मैसेज या प्रपोजल, कोई छोटा मोटा गिफ्ट किसी को या तो देना चाहते हैं या किसी की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाए। फैमिली बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ हो सकता है एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या इनका ध्यान है इस चीज़ पे कि ये अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी द एम्प्रेस, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे हुए हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं इनके बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनका अपना ध्यान जो है इस वक्त इनकी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा है, अपने आपको ठीक अच्छा बनाने पर ज़्यादा है। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, कमिटेड फील करते हैं किसी के लिए खुद को, लेकिन अभी उससे थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर यहाँ पे शो कर रहे हैं। रिग्रेट की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, और रिश्ते पे काम करना चाहते हैं अपने, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी भी आ गई, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंड्स। आपके पर्सन की जिंदगी में मल्टीपल वुमेन है, इन्हें कहीं से धोखा मिला है, बिट्रेयल, ठीक है। और ये क्योंकि बिट्रेयल आपके केस में आया है बिकॉज ये एक कलेक्टिव एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है या तो आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो आप गुस्सा हो, या हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा है आपने धोखा दिया है और वो गुस्सा है आपसे। तो यहाँ पे ये एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस, मल्टीपल वुमेन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, वो अपने सारे ऑप्शंस को ओपन करके रखना चाहते हैं, ये एनर्जी उनकी दिखाई देती है। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है तो वहाँ पे भी चीज़ों को अपने बैलेंस कर रहे हैं। किसी का प्यार इनको अनकंडीशनल है, जो इंसान इनसे बहुत प्यार करता है तो ये उसको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। एक तरफ टू ऑफ कप्स है जहाँ पे ये मतलब एक ऐसा इंसान जो इनका ट्विन फ्लेम हो सकता है या सोलमेट हो सकता है हायर लेवल, और जिससे इनकी मैरिज पॉसिबल नहीं हो रही है तो वहाँ पे भी रिश्ता रखना चाहते हैं। बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बिट्रेयल है, धोखा मिला है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको भी मिला है, किसको किसको मिला है कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है। चलो प्लीज डिवाइन, ओके 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 ओके। हो सकता है आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी हो, तो कोई इंसान गुस्सा है धोखे को लेकर के, तो कोई है समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ इन इश्यूज़ को लेट गो कर देते हैं, रिकंसीडर कर लो। हो सकता है आपको मनाने के लिए कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हो, ये भी चीज़ है कि ऐसे तो आप शीशे में उतर नहीं रहे हो, तो ब्लैक मैजिक जादू टोना टोटका करके कर लेते हैं आपको काबू में, तो कंट्रोल में रहना आप लोग। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, पानी पी लूँ मैं, थोड़ा सा हैवी एनर्जी है। मतलब हैवी नहीं है, लेकिन जब थोड़ी सी ब्लैक मैजिक जहाँ पे आ जाता है ना, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फील, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। चीटिंग आपके साथ ही हुई है, टावर आया है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ एंग्री था, टावर मूवमेंट आया है, चीटिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है, ये जैसे ये आपको इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये सब कुछ आपने किया है। चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए फाइनल शफल बाबा जी, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी आपको लेकर के थोड़ा सा फ्लर्टी लाइट मोड में हो सकते हैं, ये आपसे भी फ्लर्ट करना चाहते हैं, ये एनर्जी दिखाई देती है। सेकंड चीज़ है इनका फ्लर्टी लाइट वे में चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, आपसे इमोशनली मूव ऑन करने की एनर्जी है। यहाँ पे क्यों मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं इस तरीके का, बिकॉज ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, दिमाग इनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक करना चाहते हैं। आपको इन सब टेंशन से दूर लेकर के जाना चाहते हैं, या फिर आपसे ही दूर जाना चाहते हैं, थोड़े से लाइट मोड में हो सकते हैं, तो ये खुद ही फ्लर्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी भी है। या इनको ऐसा लग सकता है कि आप क्या कर रहे हो,
आप इन सब से दूर जा रहे हो, आप इनको अकेला छोड़ के आप इनसे दूर जा रहे हो और आप फ्लर्ट कर रहे हो, तो आपके साथ क्या मैच करता है वो चीज़ देख लीजिए। ओवर थिंकिंग की एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको मुश्किल में छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डेथ यहाँ पे क्यों आया है, डेथ को क्लैरिफाई करिए। यस, अपनी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट है आप इनकी, ठीक है, विश फुलफिलमेंट है आपकी, आप इनकी। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये है कि ये आपको फिर से आपको ये बताना चाहते हैं, इन्होंने हो सकता है पास्ट में आपको धोखा दिया है, आपके साथ गलत बर्ताव किया है, जिस वजह से आप लोगों के केस में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। तो ये एनर्जी उन लोगों के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए एनर्जी ये होगी कि आपके पर्सन ये सारा ड्रामा पीछे कर चुके हैं, टावर मूवमेंट आपका चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन थोड़ा सा फ्लर्टी मोड में आपके सामने आना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो धोखा दे चुके हैं, थर्ड पार्टी लाए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उनको मालूम है कि अभी वो सीधे सीधे आपको आके बोलेंगे कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ ऐसा करेंगे, तो आपको ना भयंकर गुस्सा ही आने वाला है। तो इनको क्या लग रहा है, ये आपको बहुत थोड़े फ्लर्टी मूड में आपके साथ दोस्ती वाले अंदाज में कर सकते हैं कि चलो हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, या जस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, या बात कर लेते हैं, या फ्लर्ट कर सकते हैं ये आपसे। और ये क्या कर सकते हैं कि आपको इन सारी प्रॉब्लम से दूर ले जा सकते हैं, कि मतलब इनका मन रहेगा कि इन सारी प्रॉब्लम जो भी हुई, जो इश्यूज आप लोगों के बीच में है ना, इन इश्यूज से आपका मन भटका सकते हैं, ठीक है, कि चलो आपको कहीं घुमा के ले आते हैं, या चलो शांत हो जाते हैं, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, या थोड़े दिन चलो अकेले में रहते हैं और हम सब कुछ ठीक हो, चीज़ों को ठीक कर लेंगे, इश्यूज़ को लेट गो कर दो, इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। आपसे कह सकते हैं कि आप रिकंसिडर कर लो इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं और आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, और इसके अलावा किंग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, उसमें स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा बाकी साइन अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि रीडिंग मैच करती है तो सब साइन आपके लिए, ठीक है, सब कुछ है आपके लिए। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उसी के ठीक अपोजिट जो लोग कॉन्टेक्ट में हो उनके लिए एक ट्रिगर है यहाँ पे। आपके पर्सन आपको चीट कर सकते हैं, वो फ्लर्ट कर रहे हैं, या आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, इसलिए गुस्सा है, ठीक है। और ये आपसे मूव ऑन करने की एनर्जी इनकी दिखाई देती है, कि ये टेंशन में नहीं पड़ना चाहते, किसी चिक चिक में पड़ना नहीं चाहते, जो भी आप लोगों के बीच में अगर टच में हो, बहस हो रही है, तो ये सब प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके रिश्ते में डेथ करके कहीं और न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए होगा जो आप लोग अच्छे चल रहा है, कॉन्टेक्ट में हो, ये उनके लिए एक ट्रिगर हो सकता है। बाकी लोगों के लिए कंडीशन यहाँ पे ये है कि जिनके पास्ट में ये सब हो चुका है उनके लिए आपके पर्सन दोबारा आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ओह, इतने सारे नहीं, फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यस, ये अपना प्यार आपको करते हैं पर अपने इमोशंस को हाइड करके इन्होंने रखा हुआ है। आपकी तरफ से ये किसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप किसी तरीके के मैसेज, किसी तरीके के कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप उन्हें मैसेज कर दें अपनी तरफ से, या कोई कम्युनिकेशन कर दें, तब तक ये रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना मच्योर वे में बहुत अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, उनको जाहिर नहीं कर रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। इनकी एनर्जी में दिख रहा था कि मल्टीपल वुमेन है, ठीक है। आप लोगों से ज्यादातर लोगों के केस में यहाँ बिट्रेयल और इन सब चीजों को लेकर के इनके आप लोगों के बीच में रायता हो चुका है। तो आपके पर्सन की अभी क्या एनर्जी, अपने इमोशंस को होल्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी के लिए, या तो अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, कहीं से इनको कोई क्वीन ऑफ वेंड्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिससे इन्हें फिजिकली किसी तरीके का फिजिकल भी मिल रहा था। सेकंड चीज़, वो इनको बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी या लग रहा था। सेकंड चीज़ इनका, थर्ड चीज़ ये है कि इनको वहाँ से किसी तरीके का मॉनिटरी गेन हो रहा था। इनको ये उम्मीद दिखाई दे रही थी कि इस पर्सन, इस क्वीन ऑफ वेंड्स के साथ में जब ये रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे, इनको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया, बट मैंने जैसे बोला कि जो लोग कॉन्टेक्ट में हैं वहाँ आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने आप को रिच बनाने के लिए, ठीक है, अपना फायदा देखते हुए इस क्वीन ऑफ वेंड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसके साथ अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है।
ये उनके, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि इमोशंस को होल्ड करते हैं, इमोशंस के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं वहाँ पे। ये इनका मेन पर्पज इस क्वीन ऑफ वेंड्स के साथ जुड़ने का ये है कि इससे इनकी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़िया हो जाएगा और इनकी ज़िंदगी में ये रिच हो जाएंगे। अभी इनका दिमाग ये है, तो ये इसलिए भी धोखा देने की एनर्जी भी है आपको कि आपको चीट कर सकते हैं, और ये फ्लर्ट कर रहे हैं। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे ये कंफ्यूज हैं, ठीक है, ये उधर बढ़ना चाहते हैं, हालांकि इनकी एनर्जी पीछे मुड़ के देखने की भी इनकी एनर्जी दिखाई देती है। पर जिन लोगों के पर्सन, जैसे मैंने बोल दिया है कि इनका कंडीशन यही है कि दो नामों में पैर रखने के चक्कर में इन्होंने क्या किया है, अपना या तो अगर आप लोग मैरिज थे, मैरिड हो, तो वहाँ पे अपनी शादी खतरे में डाल ली है, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन थोड़े से लालची दिखाई देते हैं दोनों ही सूरत में। अगर धोखा खा के आए हैं तो भी बड़ा बेशर्मों की तरह आए हैं, कोई अपोलॉजी वाला सिस्टम नहीं है, फ्लर्ट करने के मूड में है, ठीक है। ये आपसे किसी तरीके का कोई स्टेबल कमिटमेंट अभी भी नहीं दे रहे हैं, जस्ट एक फ्लर्ट से ऑफर शुरुआत करना चाहते हैं और हल्के में ले रहे हैं, मतलब इनकी एक बहुत हल्की पर्सनैलिटी हो सकती है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ अगर ये अपनी ज़िंदगी में आगे, जैसे जो लोग कॉन्टेक्ट में हो और ये आगे बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर किसी दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं जहाँ से इनको फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन दिखाई दे रहा है, फ़ायदा दिखाई दे रहा है बेसिकली, तो वहाँ पे भी इनकी कंडीशन अभी कन्फ्यूज़न वाली है, ठीक है। ये अभी जगल कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, टावर ज़रूर कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन सेकेंड मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो, जहाँ से उनको, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन जिनका नो कांटेक्ट है आपके पास वापस आ रहे हैं अपना कर्मा भुगत के, जो लोग कांटेक्ट में हो ये आपको धोखा दे सकते हैं, किसी और के पास जा सकते हैं, ये इनकी एनर्जी है यहाँ पे। या ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है कि ये ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। बर्डन है इनको बहुत ज़्यादा, शादी इनको टूटती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन का ये एनर्जी, जैसे मुझे ज़्यादातर लोगों की रिटर्न बैक वाली एनर्जी दिखाई देती है, रिकंसिडर लेट गो इश्यूज वाली जो एनर्जी है यहाँ पे क्या दिखाई देता है, हो सकता है ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस रहा हो आपके पर्सन के ऊपर, जिस वजह से चीज़ें खराब हुई हों आप लोगों के बीच में, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन का फिलहाल का दिमाग में उनके यही चल रहा है कि उनको ये लग रहा है कि चीज़ें उनके फ्लर्टी नेचर की वजह से खराब हुई हैं, या तो आप फ्लर्टी नेचर हो या उनका खुद का नेचर बिहेवियर हो सकता है जो फ्लर्टी है, बहुत लाइट मूड में, मतलब रिश्ता तो रखना है बट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना है, ठीक है, हल्के वे में, पेज की एनर्जी, बच्चों टाइप की एनर्जी, मैच्योरिटी नहीं है यहाँ पे। जब ये किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी जहाँ पे आती है, मतलब आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता तो रखना चाहते हैं, अच्छा फील करते हैं, सब कुछ ठीक है, बट कमिटमेंट की डिमांड आप मत करो, कमिटमेंट की बात मत करो, आप इनको बस खुश रखो, इनको हैप्पी रखो, इनको बस जो ये चाहते हैं बस उनको देते रहो, इनको लाइट मोड में इनके साथ में रहो, लेकिन आप इनसे कमिटमेंट की बात मत करो। अगर आप कमिटमेंट की बात करोगे, सीरियस होने की बात करोगे, तो ये आपके साथ चीटिंग करके भाग जाएंगे, रिश्तों को ख़त्म कर देंगे, ये एनर्जी दिखाई देती है। तो जिन लोगों के पर्सन पास्ट में ऐसा कर चुके हैं उनको बर्डन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे इन्हें आपके साथ मैरिज होती पॉसिबल नहीं नज़र आ रही, या फिर मैरिज टूट चुकी है या टूट जाएगी ऐसा उनको लग रहा है, इस बात का बर्डन है उनके फ्लर्टी नेचर की वजह से, हो सकता है, ठीक है, या आपका या उनका फ्लर्टी नेचर। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पैसा यहाँ पे ऑब्वियसली बात है नहीं है, पैसे की बड़ी समस्या है आपके पर्सन की ज़िंदगी में फिलहाल, उन्हें ऐसा लग रहा है, या तो हो सकता है हमारे व्यूअर्स, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, ठीक है, और इनके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो जाहिर सी बात है क्वीन ऑफ वेंड्स है, एक ऐसी पावरफुल अथॉरिटी जो सेल्फ लव भी जानता है और साथ में बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव भी है और उसके पास पैसा भी है आपके कंपैरिजन में ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जगल कर रहे हैं कि किधर जाएं, जहां उनकी स्टेबिलिटी है कि इधर जहां वो प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्यार के बगैर आपके पर्सन थोड़े से मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक अप्रोच के लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि प्यार के बगैर तो ज़िंदगी कट जाएगी, पैसे पे फिलहाल फोकस कर लेते हैं, ये एनर्जी जगलिंग दिखाई देती है। यहाँ पे टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, यहाँ पे मैरिज दिखाई देती है या कोई लीगल कोर्ट केस या लीगल मैटर कोई यहाँ पे हो सकता है, ये चीज़ है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बट आप लोगों की दैनिक मतलब जो पैसे की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो आपके हस्बैंड कमाते नहीं हैं, हस्बैंड या वाइफ, या आप अर्निंग नहीं हो, ठीक है, आप तो डेफिनेटली नहीं हो, जहां पैसा बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है, मतलब उतना नहीं है जितना आपके पर्सन को नीड है, बिकॉज वो मनी माइंडेड है, तो और आपके पर्सन के पास कोई दूसरा ऑफर, तो उन्हें आपके साथ शादी बंधन लग रही है या शादी करना बंधन लग रहा है,
बिकॉज उनको ऐसा लगता है आपके पास उतना मॉनिटरी नहीं है आपके पास जितना सामने वाले पर्सन के पास है, तो ये उस तरफ अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। ये किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, ठीक है, एक निगेटिव गंदी एडिक्शन हो सकती है इनकी, या तो इनके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के पास लस्टी बिहेवियर है, सामने वाला बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है तो इस वजह से, या इनका एक एडिक्शन ये पैसे के लिए लालची बहुत हो सकते हैं ये एनर्जी, या फिर किसी के द्वारा कराया हुआ ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे हो सकता है जिसकी वजह से इनकी बुद्धि इस तरीके की हो गई है कि ये मनी माइंडेड हो गए हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, ये चीज भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जिद गुस्सा या तो किसी तरीके की जिद है इनके अंदर या फिर गुस्सा है इनके अंदर, तो ये या हो सकता है आप हमारे व्यूअर्स, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके पर्सन की स्थिति अच्छी नहीं थी तो उनको ये चीज लगती है कि हो सकता है आप उनको नीचा दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे, ये अलग बात हो सकती है, बट उनको ऐसा फील होता है कि आप उन्हें नीचा दिखाते हो, तो वो आपके ऊपर एक जिद में गुस्से में आकर बराबरी करने के लिए एक दूसरा पर्सन आपके पक्ष में लेके आना चाहते हैं जो उनकी नज़र में ये है कि वो आपसे बेहतर है, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, आपको तकलीफ पहुंचे, ये चीज़ इनकी, तो मतलब हम तुमसे निकल के हम उस पर्सन को अपना प्यार भरा कप ऑफर कर देंगे ताकि आप जलते रहो कुड़ते रहो। बस इनके अंदर एक निगेटिव होता है, कुछ लोगों के अंदर होती है ये मेंटेलिटी कि जब वो जिंदगी में सही तरीके से आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं ना उनका सबसे बड़ा एक रीज़न यही होता है, जहाँ पे एक पर्सन अच्छा है सब कुछ अच्छा होगा उसके साथ में, हर तरीके से वो इंसान कमिटेड भी होगा, काबिल भी होगा, हर तरह से अच्छा होगा। अक्सर ऐसे लोगों को उनका जो पार्टनर होता है वो चीट करता है, उसका कारण होता है उसकी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर इतनी खुद से इतनी घृणा होती है क्योंकि वो उतना अच्छा क्यों नहीं है। जब आप सामने वाले इंसान के प्रति, जब आपके खुद के अंदर बहुत गंदे पैटर्न्स होते हैं तो आप सामने वाला इंसान अगर अच्छा है ना तो आपको उसके साथ बैठ के बहुत लो फील होता है, आप बहुत खुद को गिरा हुआ फील करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आदमी आपको इंसल्ट करे या कुछ कहे, आप उसकी नॉर्मल बातों को भी गलत वे में ले सकते हो, और दूसरी चीज़ उसकी कही हुई अच्छी बात भी आपको बुरी लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी आपसे अच्छा है और आप जानते हो कि वो अच्छा है, तो आप उसके साथ जब भी रहते हो खुद को बहुत लो फील करते हो। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो इनके जैसा हो, जो इनसे भी ज़्यादा गिरा हुआ हो, ताकि ये जब उसके साथ में रहते हैं तो एटलीस्ट इनका एक जो घटिया क्या कहना चाहिए ईगो होता है ना, वो सेटिस्फाई होता रहता है, तो इनको इससे तकलीफ नहीं होती है, इनको लगता है कि हाँ हमसे भी नीचे कोई है, मतलब मैं ही सारी दुनिया में सबसे नीचा नहीं हूँ, मुझसे भी ज़्यादा नीच लोग हैं इस दुनिया में, ताकि इनको थोड़ा सा बना रहे कि हाँ हम ठीक है, हम इतना भी कुछ बुरा नहीं कर रहे और लोग भी हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके के लोग इसलिए इन चीज़ों में जाते हैं, कभी भी जेन्यून पर्सन कभी इन सब फालतू चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। वाहियात किस्म की जो लोग सोच होती है, जिनकी ईगो बहुत ज़्यादा होती है, तो ईगो की वजह से, जलन की वजह से, या सामने वाले को नीचा दिखाने की वजह से, कि कोई अगर पता चला एक पार्टनर अच्छा नहीं है, एक पार्टनर बहुत खूबसूरत है या बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, जानबूझ के किसी ऐसे पर्सन के पास जाएंगे ताकि वो उसको ये एहसास दिला सकें कि देखो तुम हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हम दूसरे के पास जा रहे हैं ताकि तुम्हें ये तकलीफ हो। तो अगर आप खुद को सुपीरियर पोजीशन में मानते हैं हमारे व्यूअर्स, तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स में आने की ज़रूरत नहीं हो, खुद को बिल्कुल भी तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं हो, खुद को ना ही बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपका पर्सन इतना बेवकूफ़ है कि उसको आपकी अच्छाइयों की कदर नहीं है और वो बजाय आपको उनको क्या कहना चाहिए, आपको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए या आपको प्रेज करने की बजाय वो जस्ट आपको डीमोटिवेट कर रहा है, आपका मोरल डाउन कर रहा है बूस्ट करने की बजाय, तो ऐसे पर्सन को उसके हाल पे छोड़ दो, भाड़ में जाए, उसे जो कर्मा सबको मिलता है, आप जस्ट वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में आ जाओ, उसको अपना कर्मा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से रहना है आपको, तो आपके पर्सन थोड़े से निगेटिव माइंडसेट में हो सकते हैं, जहाँ इनका दिमाग अपने पैसे के ऊपर ज़्यादा है कि इनको पैसा वाला बनना है, और इन्हें जहाँ इन्हें फ़ायदा दिखाई दे रहा है ये उधर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ अपनी एनर्जी को ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ या पास्ट में की होगी। अब इनकी मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन, जैसे मैंने कहा कि ये चले गए, इन्होंने वहाँ चीज़ें सही भी कर ली, हो सकता है इन्होंने मैरिज भी कर ली हो, ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन अब आ गई क्योंकि अटैचमेंट तो आपसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अल्टीमेटली आदमी को चाहिए प्यार ही होता है, फैक्ट है ये सच्चाई का। इंसान लास्ट में, शुरुआत में हमें गाड़ी बंगला घर सब कुछ चाहिए, अच्छा गुड लुकिंग सब कुछ चाहिए होता है, लास्ट में आकर के कि हमें वहाँ जे जे मिल सकता है, कंपैरिजन करेंगे। घटिया किस्म के लोग होते हैं, ये हमेशा कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज उनको अपनी जिंदगी में लालची होते हैं ना, तो सब कुछ चाहिए होता है, प्यार सबसे लास्ट में इनके लिए आता है।
एक किसी आड़े टेढ़े से इंसान से मैरिज कर लेंगे बस क्योंकि उसकी गाड़ी अच्छी थी, उसका बैंक बैलेंस अच्छा था, तो ये उसके इंसान से शादी कर लेंगे। फिर इनकी इमोशनल नीड वहाँ पे पूरी नहीं होती, फिर ऐसे लोग जाते हैं दूसरे इंसान के पास, या तो पास्ट में जो पर्सन होता है उसको जाके वापस पोक करते हैं, या फिर कोई और लोग ढूंढते हैं जहाँ इनकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिले। क्योंकि जब सोल सेटिस्फेक्शन मिल रहा था तब तो वो चाहिए नहीं था, तब तो बाकी दुनिया का सब कुछ चाहिए था। अब बाकी का सब कुछ मिल गया तो समझ आया कि रोटियां तो वही खानी है हमें जो हम पहले खाते थे, क्योंकि चांदी के वर्क लगा के तो हम अभी भी रोटियां नहीं खाते, सदा ही खाते हैं। फिर इनको समझ आता है कि नहीं यार मुझे अब सोल सेटिस्फेक्शन, फिर ये दूसरे इंसान के पास जाते। तो मतलब ये वो घटिया लोग हैं जो ना तो उस इंसान के लिए लॉयल हुए जो इन्हें प्यार करता था, उसको भी छोड़ दिया, दूसरी तरफ उस इंसान के लिए भी लॉयल नहीं है जिसका ये पैसा और हर चीज़, उसका टाइम, पैसा, उसका शरीर यूज़ कर रहे हैं, और उसके लिए भी लॉयल नहीं है। तो बेसिकली ऐसे लोग किसी के लिए डिजर्व नहीं करते, ठीक है। ये खुद ही बहुत घटिया होते हैं। मिसिंग एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है, ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, फैमिली में बातचीत करना चाहते हैं, किसी तरीके की इनकी एक जजमेंट, कर्मा ज़रूर मिला है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आपको एक चीज़ में ध्यान रखने की ज़रूरत है, या तो आप लोगों ने बहुत स्ट्रांगली इन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है अपनी ज़िंदगी में, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके अंदर, सब कुछ पहले से माइंड में था इसलिए ये चीज़ें आपके माइंड लाइफ में मैनिफेस्ट हुई हैं, या फिर कंडीशन ये है कि ये अभी आप लोगों की कंडीशन ये है कि कोई कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा आप लोगों का हो सकता है जिसकी वजह से ये सब कुछ आपको झेलना पड़ रहा है। केयर फ्री होकर के ये अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पे एनर्जी है, बहुत सारी क्वीन है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, एम्प्रेस भी हैं, बहुत सारे लोग इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाल रखे हैं। तो यहाँ पे ये लुक विद इन करने की भी इनकी एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ ये चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आई टेक ओनली वन कार्ड प्लीज बाबा जी, क्योंकि आज एनर्जी क्लियर ही है काफी। प्लीज डिवाइन, कहीं टावर है, कहीं मैरिज है, ठीक है, कहीं किसी बंधन से मुक्त होने की एनर्जी दिखाई देती है, कहीं कुछ टावर, कोई टावर मूवमेंट जरूर आएगा कहीं पे भी, ठीक है। किसी तरीके का डिवोर्स हो सकता है, कहीं कोई मैरिज हो सकती है, यहाँ पे ये एनर्जी है। यस, कुछ लोग अपने सोल कनेक्शन की तरफ, जहाँ पे नो कांटेक्ट में जो लोग हैं वहाँ पे आपके पर्सन अपने सोल कनेक्शन की तरफ वापस लौट रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज डिवाइन हमारे जो भी, मैं एक सेकेंड, यहाँ मुझे ब्लैक मैजिक पता नहीं क्यों बार बार ट्रिगर कर रहा है, मैं देखूँ कि आपके पर्सन ही तो नहीं करा रहे। प्लीज डिवाइन हमें बताएं ये ब्लैक मैजिक कौन करवा रहा है, ब्लैक मैजिक को क्लैरिफाई करिए। एक सेकेंड, मेजर अरकाना से देखती हूँ, मेजर माइनर दोनों से। प्लीज डिवाइन ब्लैक मैजिक को क्लैरिफाई करिए। थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करवा रही है, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है अगर आपके आपके पर्सन के साथ में, तो आप नहीं करा रहे हो, थर्ड पार्टी करा रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या थर्ड पार्टी करा रही है ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सबकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी अलग अलग होगी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक सोल कनेक्शन जहाँ पे है वो सोल कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे, आई नीड ओनली टू कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनकी ज़िंदगी, उनके व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग दो कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग दो कार्ड दीजिए। पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस वक्त आपको, बहुत धैर्य की ज़रूरत है। पेशेंस के दो दो कार्ड आ गए, चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं आप लोगों के केस में। 7, 2 एंड 14, 7, 2 ज़ा 14, 7, 2 ज़ा 14। एक चीज़ देखेंगे, अगर 7 में से दो अगर कम कर दें, माइनस कर दें, तो 5 आता है, 14 का ये 5 आएगा, ठीक है। मैथ कैलकुलेशन बेसिकली चल रही है, 7 माइनस 2 यानी कि 5, 14 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 5 आता है, और अगर 7, 2 ज़ा कर दें तो 14 आता है यहाँ पे, और 14 को 2 से डिवाइड कर दें तो 7 आ जाता है।
कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा, कैलकुलेटिव वे में चीज़ें चल रही हैं, जो कुछ है डेस्टाइंड है, प्री प्लान्ड है, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, और पेशेंस एंड प्लानिंग के तहत ही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, प्लानिंग हो सकता है या तो प्लानिंग के तहत आपको बढ़ने की ज़रूरत है, या दूसरी तरफ आपके प्लानिंग डिवाइन आपके केस में करने, अगर आप एक सोल कनेक्शन में हैं तो आपको कुछ भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ अपनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है ना वो डिवाइन को सौंप दो, वो जो मर्जी करें जैसे मर्जी करें, ठीक है। उनसे मांगो मत, उनसे मत कहो कि मेरा पार्टनर आ जाए, क्योंकि आपका पार्टनर काफ़ी कलेशी इंसान है, तो उसे मांगो मत, क्योंकि ज़बरदस्ती कलेश अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि इस तरीके की जो आपके पर्सन की एनर्जी आई है वो निहायत बेवकूफ़ किस्म के इंसान, और निहायत मतलब बेवकूफ़ ही कहेंगे, जो लोग पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच के पीछे ज़्यादा भागते हैं, ऐसे लोग बेसिकली ज़िंदगी में वो लेट होते हैं जो ना अपनी ज़िंदगी कभी सुकून से काटते हैं, ना किसी भी इंसान की ज़िंदगी सुकून से नहीं काटने देते। क्योंकि लालची इंसान का एक सबसे बड़ा समस्या ये होता है, किसी के लिए फेथफुल नहीं होता, वो बिन पैंदी के लोटे की तरह कभी भी किधर भी जा सकता है। तो जिन लोगों के साथ भी होता है उन लोगों को हमेशा एक डर होता है कि ये इंसान पता नहीं कब इनको धोखा दे देगा, ठीक है। जो आदमी 10 रुपये पे बिक जाता हो वो अगर बहुत सुधरेगा तो 100 पे नहीं बिकेगा, 1000 पे फिर आकर के बिक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनका अपना कोई धर्म ईमान नहीं होता, इनके साथ ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और आपके पर्सन की जो एनर्जी है मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर, और थोड़ी बहुत जो कसर रह जाती है वो थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करके कर देती है, और ब्लैक मैजिक का असर भी उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो थोड़े से मूर्ख होते हैं, थोड़े से जो दिमाग से हल्के होते हैं उन्हीं के ऊपर पड़ता है। एक स्ट्रांग माइंडेड जो भी पर्सन होता है उसके ऊपर कभी भी इन ब्लैक मैजिक और इन सब फालतू चीज़ों का कभी कोई असर नहीं पड़ता। अभी आप लोगों के बीच में चल रहा है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में भी, और आपका शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। हो सकता है आपके सर के ऊपरी हिस्से में अगर दर्द रहता है, सिर में, आपके माथे पे सर में दर्द रहता है, तो हो सकता है आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है, थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है, मेंटल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आप लोगों का, दिमाग में बहुत झगड़ा चल रहा है इस वक्त आप लोगों के, ठीक है। कितने लोगों के माइंड में चल रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों की कंडीशन ये है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, आप लोगों के बीच में रिश्ते में इतनी चीज़ें खराब हो चुकी हैं कि अब आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर वापस ज़िंदगी में आ भी जाए तो आप क्या ही इस इंसान के साथ करोगे, ठीक है। आपके माइंड में ये है कि अगर ये इंसान जिसने इतना झूठ बोला है, इतना धोखा दिया है, आपको बार बार चीट किया है, इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी मतलब बहुत बहुत तकलीफ वाली चीज़ होती है कि कोई अपनी आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है कि कोई नहीं मिलेगा तो आप चलोगे, अदरवाइज बेटर ऑप्शन मिला तो छोड़ देंगे चले जाएंगे वाली कंडीशन है, तो आपको कोई एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, इट्स वेरी बैड। तो आपको क्या लग रहा है कि अब आपकी पर्सन ने, आप खुद भी इसके रिलेशनशिप के लिए सोच नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में अब क्या ही करेंगे, क्योंकि एक इंसान जो हमेशा झूठ बोलता है उससे क्या ही बात करूँगा। रिश्ता हमें क्यों चाहिए होता है? रिश्ता चाहिए होता है जिससे हम अपने मन की बात कह सकें, जिसको हम भरोसा कर सकें, जिससे हम उम्मीद कर सकें कि वो हमें सही सलाह देगा, ठीक है। जो इंसान हमारे लिए लॉयल होगा, जो हमारी मुसीबत में जब भी हम अच्छे बुरे वक्त में हमेशा हमारे साथ होगा, हमारा ख्याल रखेगा, हमारा ख्याल रखेगा, हमारी केयर करेगा। पर यहाँ आपके पर्सन के साथ उल्टा है, वो इंसान आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिनमें से वो किसी भी एक के साथ जाएगा, और अगर कर भी रहा है तो आपके साथ बैलेंस, मतलब आपके ऊपर एक फोर्स है कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहो, नहीं तो बाढ़ में जाओ वाली कंडीशन है, ठीक है। तुम मतलब नहीं भी रहोगे तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एक्चुअली ये छोड़ के भी नहीं जाते, प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती जब कोई रिश्ता आगे परस्यू नहीं कर पा रहा है, कई बार हालात ऐसे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्लियर कम्युनिकेशन बैठ के कर लिया जाता है कि चलो हम बात कर लेते हैं अपने रिश्ते पे और हम ख़त्म करते हैं, एक हेल्दी नोड पे रिश्ता ख़त्म हो जाता है, लोग अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जहाँ मल्टीपल वुमेन है इन्वॉल्व, वहाँ पे कंडीशन ये आती है कि आपका पर्सन वापस छोड़ के दूसरे के पास जाएगा, ठीक है। फिर जब उसका वहाँ कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं देगा वो फिर वापस आपके पास आएगा, फिर थोड़े दिन बाद आपसे एनर्जी लेगा, आपका खून चूसेगा, उसके बाद फिर वैम्पायर की तरफ, फिर मतलब खून पी के फिर भाग जाएगा, फिर वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ हर्ट होगा, फिर वापस आएगा। ये होता है टॉक्सिक पैटर्न। कोई इंसान एक बार ज़िंदगी से चला जाए वापस नहीं आए प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आप 10 दिन 15 दिन महीने भर 6 महीने साल 2 साल रोगे शांत हो जाओगे, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि घाव कितना भी बड़ा हो वक्त बहुत बड़ा हीलर होता है। कोई भी चीज़ ज़िंदगी भर, जो लोग मर जाते हैं जब उनके बगैर हम जी लेते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई रिश्ता ऐसा होता है कि जिसके बगैर इंसान जी ना सके? ये सब कहने की बातें होती, कुछ नहीं होता। ऊपर से जो इंसान इतना रायता ज़िंदगी में फैला के गया उसके लिए तो उसे तो भूलना आसान होता है, थोड़े दिन गुस्सा रहता है, जिद रहती है, फिर आदमी भूल जाता है, आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे समस्या क्या है, तो आपको ये लग रहा है कि क्या ही हम इस आदमी से शेयर करेंगे, जो इंसान, क्योंकि मल्टीपल रिलेशन यानी बहुत सारा झूठ, बहुत सारा मैनिपुलेशन,
तो लगता है कि हम क्या ही इस इंसान के साथ शेयर करेंगे। ऐसे इंसान के साथ ना तो आप अपनी बातें शेयर करना चाहते हो, ना ही कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हो, ना क्योंकि वो सब सबके साथ कर रहा है, ना ही उसे कोई प्यार मोहब्बत की बात आप करना चाहते हो, ना ही उसके मुंह से सुनना चाहते हो। बिकॉज आपको पता होता है कि मल्टीपल रिलेशन मतलब आप सबसे एक ही टाइप की बातें कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आता, तो आप कौन सी बातें हमसे स्पेशल करोगे, ठीक है। ना ही ऐसे लोगों के साथ आप ऑनेस्टली अपना बेड शेयर करना चाहते हो, बिकॉज आपको मालूम है कि वो इंसान बाकी लोगों के साथ भी यही सब कुछ कर चुका है। तो यहाँ पे आपके अंदर बहुत सारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि एक सोल कनेक्शन है, आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है और आपके अंदर एक नेचुरल खिंचाव जरूर है इस रिश्ते को लेकर के आपके, लेकिन आप इस रिश्ते के लिए हो सकता है बहुत कमिटेड भी अपने आप को मानते हैं, बट डीप डाउन जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि आखिर इस रिश्ते में रह के आपको मिलेगा क्या। सिर्फ बार बार की इंसल्ट की, कोई इंसान बार बार आपके पास आ रहा है, आपको एक उम्मीद दे रहा है, आपको वो कर रहा है, उसके बाद आपको इंसल्ट करके चला जा रहा है। किसी और के पास जाने का मतलब सीधी सी बात होती है कि आप मेरे लिए पूरे नहीं पड़ रहे हो, तो ये बहुत खराब लगता है, ठीक है। तो आप भी बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो, इधर आपके पर्सन भी हो सकता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, वो अपने ऑप्शंस के चक्कर में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है कि वो कैसे चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि प्यार भी मिल रहा है उस इंसान से, अटैचमेंट तो नो डाउट उनको भी आपसे है, बट टॉक्सिक पैटर्न्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, उन्हें वो बाकी चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों की, तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। सीड ग्रो कर दिए गए हैं, वो धीरे धीरे पेड़ बनेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों में गुंजाइश होगी, सोल कनेक्शन होगा, तो आपके पर्सन को कर्मा दे दे के डिवाइन खुद ही उनको तमीज सिखा के लेके आएंगे। अब जितना कर्मा होगा वो बैलेंस होगा, जल्दी हो जाएगा, लेट हो जाएगा, डिपेंड करता है कर्मा पे, ठीक है। दूसरी तरफ पेशेंस और प्लानिंग की आपको ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक प्लान करना है कि आपको मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है और भगवान को जाके बोल दो प्रभु आपको जो अच्छा लगे सो कर लो, हम कुछ मांग ही नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को ना तो आप अपनी ज़िंदगी में मांग सकते हो कि प्रभु ये हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो भी कलेश है, चला जाए तो भी कलेश है, बिकॉज प्यार भी है, अटैचमेंट भी है, तो सब डिवाइन पे छोड़ दो, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए यहाँ पे, ये तो पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। 2 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, 1 नंबर, 4 नंबर भी। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है प्लीज़ बताइए। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। हो सकता है इनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ और भी स्यापे हों, लेकिन स्यापे इनकी ज़िंदगी में यही हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में पैसे की तंगी है और ये पैसे कमाने का ईजी वे, कहते हैं ना ईजी मनी, एक कमाऊ इंसान को अपनी ज़िंदगी में फंसा लो, वो पैसा देता रहेगा, प्यार आप देते रहना। तो बेसिकली ये अपने वो कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवाट जोड़ा वाली कंडीशन है इनकी। तो ये ऐसे अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि एक रिलायबल इंसान जो होता है ना, वो क्या करता है, वो जेन्युइन तरीका करता है, वो मेहनत करता है, ईमानदारी से अपनी चीज़ों को रखता है। जिस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ता है उसे क्लियर बोलता है, मेरे पास ये है, मैं तुम्हें इतना दे पाऊंगा, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा या करूंगी आपको, आप इतने में खुश हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, हमारे साथ अच्छे से रह लोगे आप, सीधी सी बात करता है। सामने वाला डिसाइड करता है कि हाँ ठीक है हम रह लेंगे, प्यार करता है तो कह देता है ठीक है हम इतने में भी गुजारा कर लेंगे, हम दोनों मिलके कुछ करेंगे, हमारी ज़िंदगी में सुधरना होगा तो सुधर जाएगा। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, देखो पैसे वाला अगर तुमको धन्ना सेठ बनना होता ना, तो तुम ऑलरेडी धन्ना अंबानी के घर में पैदा हुए होते। अगर तुम अंबानी के घर में पैदा नहीं हुए हो, एक गरीब आदमी के घर में पैदा हुए हो, तो मान लो कि तुम्हारी किस्मत में वही लिखा है, तो चाहे जो कर लो, तुम्हारी नसीब, तुम्हारे दिन तभी बदलेंगे जब डिवाइन ने तय करके रखे होंगे, तो वो उन्हें बदलने होंगे तो वो एक सेकंड के अंदर बदल देंगे। और जिस दिन तुम्हें बर्बाद करना होगा ना, तो उनको ख़त्म करने में भी तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सब कुछ डिवाइन की मर्जी से होता है, ये आदमी की सोच होती है। जीवन में रुपया पैसा तो बहुत अलग चीज़ें हैं, ये तो सब आती जाती रहती छोटी मोटी चीज़ें हैं, जन्म मृत्यु और आपका विवाह, ये तीन चीज़ें डेस्टाइंड हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये डर होता है हमारी शादी नहीं हुई तो फिर तुम्हारी शादी नहीं होगी, अरे नहीं लिखी होगी तो नहीं होगी, और करके भी क्या उखाड़ लोगे, मर गए तो गारंटी है क्या, कोई इस चीज़ में एक्सपायरी डेट की लेकर के आ रहा है ना कि एक साइड की बैटरी है 3.5 साल 5 साल की आपको बैटरी लाइफ टाइम हम वो दे रहे हैं, ठीक है। आपके ससुर जी ने आपको ये बॉन्ड साइन करके दे दिया कि भाई अगर मेरी बेटी 3 साल में मर गई तो मैं दूसरी बेटी तुम्हें पैदा करके दूसरी बेटी से शादी करके दूंगा या दूसरा बेटा दे दूंगा। मतलब थोड़ा सा हार्श है लेकिन सच्चाई यही है। क्या आप अपनी ज़िंदगी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं ना, तो फिर फालतू दिमाग किस लिए लगाना। तो यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन मूर्ख लोगों को बात समझ नहीं आती, उनको कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। बाकी उनकी अपनी चॉइस, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है। कुछ लोगों को जैसे मैंने बोला लालची होते हैं, उन्हें सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है। फिलहाल कह रहे हैं अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए।
तो ज़्यादा लोड मत लिया करो, और तुम भी चिल्लाया मत करो, रोया धोया मत करो। हम देखते हैं कुछ लोग लगे पड़े हैं अपने, हमारा पार्टनर शादी कर रहा है और हम प्लीज़ हमारी रियूनियन हो जाए, रियूनियन। अरे जब उसको तुमसे रियूनियन की नहीं पड़ी है, वो अपनी शादी रचा रहा है, तो तुम काहे मरे जा रहे हो भाई? क्यों उसके लिए इतने परेशान हो आप? बुरा लगेगा, जो सुन रही हैं या सुन रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ, ठीक है? बट प्यारे, मैं जो बोल रही हूँ तुम्हारे अपने भले के लिए बोल रही हूँ। नहीं रोना होता है उन लोगों को जो छोड़ के चले जाते हैं, समझ में आया? रिश्ते वो होते हैं जो पहले दिन से लेके उम्र के आखिरी पड़ाव तक आपके साथ हो। डजेंट मैटर कि आपकी शक्ल कैसी है, आपकी उम्र कैसी है, आपके बालों का रंग कैसा है, आपके गालों की टेक्सचर कैसा है, आपका पैसा कितना है, नहीं है। सुख दुख का साथी होता है जीवन साथी, उसे बनाया जाता है। ये लोग तो रास्ते चलते लोग जो ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इनको थोड़ी ना इतना रोया धोया जाता है। तो उन चीज़ों से बाहर निकल के आओ, और नसीब में लिखी होगी मैरिज तो हो जाएगी, नहीं लिखी होगी तो नहीं होगी। तो फालतू में कलेश क्यों देना, बिंदास रहा करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम पे ध्यान दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं? आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। मैंने क्या बोला था, जो लोग अपनी ज़िंदगी में पहले जा चुके हैं, थर्ड पार्टी चूज कर चुके हैं, वो वापस लौट के आ रहे हैं, ठीक है? और जो नहीं गए हैं, जो टच में हैं, उनको ट्रिगर मिल सकता है, ये जा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है लात खा के ही समझ आती है उनको बात, तो कहते हैं ना कि जिसको जो समझ आए। कुछ लोग बात समझते हैं तो कुछ लोग लात समझते हैं, तो उनको लात समझ में आती है, तो इनको मिलने दो कर्मा अपना, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं? दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर, ठीक है? आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये डिवाइन लव है, ट्रस्ट करिए आप उनका, वो बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, ठीक है, हमेशा के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं? आई मिस यू सो मच एंड आई के नॉट लिव विदाउट यू। वो आपसे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, उनकी ये एनर्जी है। बिकॉज सोल कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। वो इधर जो हो रहा है ना, ये बिट्रेयल हो रहा है और एंग्री और ये सब चीज़ें, ये अक्वायर्ड हैं ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें बाई बर्थ होती हैं, इननेट होती हैं, जो जन्मजात आपको मिलती हैं। कुछ होती हैं एक्वायर्ड होती हैं, जो हम अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो मनी माइंडेड है, या इनका जीवन बहुत गरीबी में यातनाओं में गुजरा हुआ है, जहां इनके घर में पैसे को या इन्होंने खुद पैसे की तंगी देखी है, तो ये पैसे को ही भगवान मानते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनको ज़िंदगी में बहुत सारा नेग्लिजेंस लोगों का बर्दाश्त करना पड़ता है, इंसल्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनको ऐसा लगता है कि लोग इनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज इनके पास पैसा नहीं है। This is very bad.